इट हैज द लिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. मैं बताऊंगी अभी कैटेगरीज कौन सी है ना. पर्पज ऑफ रेड डाटा बुक फर्स्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड है प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज. थर्ड है लिस्ट ऑफ स्पीशीज पोजिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट द एक्शन फॉर कंजर्वेशन ताकि हमने ये लिस्ट दे दी है ताकि स्टिमुलेट किया जाए भी कंजर्व करो ये खत्म होने वाली है स्पीशीज. टू एक्टिवेट द कंजर्वेशन प्रोसेसेस. नेक्स्ट है इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड साइट्स. CITES एब्रीवेशन है कैपिटल में लिखना. CITES फुल फॉर्म क्या है इसका. कन्वेंशन ऑन साइट्स फुल फॉर्म आ सकता है इस पर. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. रेड लिस्ट नेक्स्ट पॉइंट कर लेना. रेड लिस्ट हैज एट कैटेगरीज. फर्स्ट है एक्सटिंक्ट. अब ये डेफिनेशंस आप खुद लिखोगे जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीशीज. दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब ये सिर्फ डोमेस्टिकेटेड कंडीशंस में है जंगलों में या नेचुरल हैबिटेट्स में ये चीजें खत्म हो चुकी है. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिनके नंबर बहुत कम रह गए हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाइए. इट इंक्लूड मैक्सिमम ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज. क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सबसे ज्यादा किस कौन आ जाते हैं. एम्फीबियंस. उसके बाद आ जाइए एंडेंजर्ड स्पीशीज. मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस ये भी आ जाते हैं. एग्जाम्पल लिख लिया एंडेंजर्ड की. रेड पांडा, लार्जेस्ट लीमर इधरी. एक है रेड पांडा, दूसरा है लार्जेस्ट लीमर LEMUR लीमर. उसका नाम क्या है इधरी. IDRI. तीसरी एग्जाम्पल है एशियाटिक वाइल्ड एस. फिर उसके बाद है लायन टेल्ड मकाका.
लायन LION लायन टेल्ड TAILED टाइल्ड मकाका MACA QUE उसके बाद है वल्नरेबल स्पीशीज. नेक्स्ट स्पीशीज आ जाती है वल्नरेबल स्पीशीज. ये कौन सी स्पीशीज है? देयर नंबर इज सफिशियंट नाउ. देयर नंबर इज, ये वो वाली स्पीशीज है जिनके अभी तो नंबर सफिशियंट है. देयर नंबर इज सफिशियंट नाउ बट इज स्लोली डिप्लीटेड. बट इज स्लोली डिप्लीटिंग, धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है. नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है लो रिस्क स्पीशीज. लो रिस्क, मुझे नहीं चाहिए, लो रिस्क स्पीशीज. नेक्स्ट है डाटा डेफिशिएंसी, जिनके बारे में पता ही नहीं भी इनका नंबर कितना है कितना नहीं, डाटा डेफिशिएंसी. और लास्ट कैटेगरी आ जाती है नॉन इवेलुएटेड, मीन्स इतना नंबर है इनका, इनका कोई डेंजर नहीं है अभी, इसलिए इनको छोड़ दो. डाटा, सॉरी नॉन इवेलुएटेड. ठीक है, दीज आर फाउंड इन वेरी लार्ज नंबर्स. ठीक है जी, सो दीज आर रेड डाटा बुक, इसमें रेड लिस्ट आ जाती है. नेक्स्ट अब एक टर्म डेफिनेशंस लिख लो, ज्यादा तो नहीं हमने करना. नैरो, कहां से आवाजें आ रही है ये? Why should we conserve? Topic लिखो, Why should we conserve biodiversity? मैं सिर्फ इसमें, और आपको पता है biodiversity क्यों? Ecosystem stable करने के लिए और उनसे जो products मिलते हैं उसके लिए. ठीक है, Why should we conserve biodiversity? इसमें first आ जाइए narrow utilitarian arguments. Narrow utilitarian, UTILITARIAN, narrow utilitarian arguments. These are meant for obtaining economical useful substances. हमें पेड़ों से लकड़ी, दीज आर मेंट फॉर आर्ग्यूमेंट्स, दीज आर मेंट फॉर ऑब्टेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल सब्सटेंसेस. जितना भी पेड़ों से, जानवरों से जो कुछ हमें मिलता है वो सब उसमें आ जाता है. उसके बाद आ जाता है ब्रॉडली, हम कह देते हैं ना भी नैरो यूटिलिटेरियन में भी इस प्लांट से हमें जूट, प्लांट से हमें जूट मिल जाता है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिल जाती है, फलाने एनिमल से हमें लेदर मिल जाता है, इस एनिमल से हमें दूध मिलता है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से एनिमल से मिलते हैं. उसके बाद है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू विच बायोडाइवर्सिटी helps in maintaining ecosystems and also provides various services for the nature. For example, brings rainfall, है ना, trees bring rainfall. Second है purification of air. Third आ जाता है controls soil erosion. Nutrient cycling, etc. ठीक है, पता चल गया आपको, दोनों में डिफरेंस पता चला. ब्रॉड यूटिलिटेरियन, नैरो यूटिलिटेरियन. नैरो यूटिलिटेरियन में से है कि फलाने प्लांट से हमें ये मिलता है, इस एनिमल से हमें ये मिलता है, ये खाने के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इससे हमें कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये.
ठीक है, ये है नैरो यूटिलिटेरियन ब्रॉडली, कि भी प्लांट्स क्या करते हैं ब्रॉडली, ब्रॉडली रेनफॉल करते हैं, क्लीन्स एनवायरमेंट, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, ये है ब्रॉडली। और लास्ट टॉपिक आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स इन देयर कंजर्विंग द ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हमने ये कहा यहाँ बहुत शेर मिलते हैं, बस इसमें एंट्री बंद है, ना यहाँ पेड़ काट सकते हो यहाँ पे, ना कोई तुम प्लास्टिक फेंक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे ह्यूमन एंट्री बंद हो गई। सो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में, फर्स्ट आ जाइए बेटा हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स दीज आर द रीजन्स हैविंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द रीजन्स, हाँ जी बेटा, हॉटस्पॉट्स HOT हॉट स्पॉट्स SPOTS स्पॉट्स, दीज आर द रीजन्स हैविंग मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी which have maximum number of endemic species, which have maximum number of endemic species, there are 25 hotspots on earth and 3 are in India, थ्री आर इन इंडिया। कौन कौन से है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है श्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एंड थर्ड है हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयास। दीज आर द रीजन्स विच रिक्वायर हाई कंजर्वेशन, which require high conservation। Next आ जाते हैं बेटा protected areas, protected areas, protected areas में क्या क्या चीजें आ जाती है, national parks, first है national parks, second है sanctuaries, और third है biosphere reserves, national parks, सेंचुरीज SANCTURIES एंड बायोस्फियर रिजर्व्स। नेशनल पार्क्स कौन से होते हैं, इन विच नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, नेशनल पार्क्स आर द प्रोटेक्टेड रीजन्स वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। सेकेंड है सेंचुरीज, where limited human activity such as collection of fallen twigs, such as collection of fallen twigs or collection of medicinal plants, collection of medicinal plants is allowed। और फिर है biosphere reserves, biosphere reserves, this concept was introduced by UNESCO, UNESCO under MAB programs, MAB is man and biosphere, मैप की फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं है, है ना, ये है एब्रीविएशन, कैपिटल्स में है मैन एंड बायोस्फीयर। इसमें तीन रीजन्स आते हैं, इट हैज थ्री जोन्स,
कम्फर्ट जोन, ट्रांजिशनल जोन, और फिर तीसरा आ जाता है बफर जोन, कोर जोन, एक मिनट ये थोड़ा सा सेकेंड है बफर जोन, ये ठीक कर लो जरा, आई एम सॉरी, दिस इज बफर जोन, और तीसरा है ट्रांजिशन जोन, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, हंटिंग नहीं अलाउड है। बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, और तीसरा है ट्रांजिशन जोन, लार्ज स्केल ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, लार्ज स्केल ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग लिमिटेड हंटिंग इज अलाउड। अमनप्रीत आपने जाना है बेटा तो आप जा सकते हैं, मुझे बस एक दो पॉइंट्स ही लिखवाने हैं, वो आप कल नोट कर लेना, ठीक है, कर लेना पर जरूर। थर्ड कैटेगरी आ जाती है, ये है बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज। थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। ओके बेटा, सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स वो है जो वहां के लोकल्स ने प्रिजर्व किए हुए है, वो उन फॉरेस्ट को, उन एरियाज को पूजते हैं। सो सेक्रेड ग्रूव्स, GROVES, सेक्रेड ग्रूव्स आर द रीजन्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय देयर लोकल ट्राइब्स, विच आर प्रोटेक्टेड बाय देयर लोकल ट्राइब्स। These are most undisturbed, क्योंकि वो घुसने ही नहीं देते किसी को। These are most undisturbed protected regions. Undisturbed protected regions. For example, Bishnois of Rajasthan, है ना, सलमान खान पे चल रहा है ना केस ब्लैक बक को मारने का, वो किसने किया हुआ, बिश्नोईज ऑफ राजस्थान, प्रोटेक्टेड देयर जंगल्स टू प्रोटेक्ट ब्लैक बक एंड प्रोसोपिस। ब्लैक बक एनिमल है, बर्ड है, और नहीं, नॉट बर्ड बट एनिमल, मैमल है ब्लैक बक, और प्रोसोपिस जो है वो ट्री है, PROSOPIS। सेकेंड आ जाता है बेटा खासी हिल्स इन मेघालय, खासी हिल्स, KHASI, खासी। हाँ जी बेटा, जाओ जाओ जाओ, कल नोट जरूर कर लेना ये पॉइंट्स, है ना, खासी हिल्स, KHASI, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। यहाँ बड़ा शोर आ रहा है, जरा आप म्यूट करो। तीसरा आ जाइए, तीसरी एग्जांपल आ जाइए, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। ये लोग छेड़ने नहीं देते हैं वहां के हिल्स को, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, साइलेंट वैली ऑफ केरला, महाराष्ट्र, साइलेंट वैली ऑफ केरला, कर्नाटका, हाँ, साइलेंट वैली ऑफ केरला, ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर सेक्रेड ग्रुप्स।
उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते, ये है इन सीटू कंजर्वेशन, और फिर आ जाते हैं हम बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या कह रहे बेटा? ये सब इन सीटू में, इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स है ना। अब है एक्स सीटू कंजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इसमें क्या क्या आ जाता है? बोटेनिकल गार्डन्स, सेकेंड आ जाता है जूलॉजिकल पार्क्स, थर्ड आ जाता है सीड बैंक्स, फोर्थ है टिश्यू कल्चर, यहाँ पे सीड बैंक्स लिख लो, सीड बैंक्स के बारे में नहीं तुम्हें पता, तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स विच स्टोर वाइबल सीड्स अंडर फ्रोजन कंडीशंस। देयर आर टू टाइप ऑफ सीड्स, ऑर्थोडॉक्स सीड्स एंड रिकैल्सिट्रेंट।